हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं रीजनिंग का है, जो काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है, छोटे दो चार स्क्वायर है तो आसानी से काउंटिंग हो जाते हैं, कहीं 20 है, 30 आ रहा है, 50 आ रहा है, 60, तो फिर नॉर्मल जो हम मैनुअल मेथड से करते हैं ना, उसमें काउंट करने में काफ़ी टाइम लग जा रहे हैं। तो उसी के लिए एक शॉर्ट ट्रिक से आप देखिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं स्क्वायर क्या है। स्क्वायर तो जानते होंगे आप लोग, जिसकी ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होती है। देखिए स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, जिसमें सारी क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज इनबिल्ट होते हैं, चाहे रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, काइट है, ट्रैपीजियम है, रोमबस है, सारे की सारे प्रॉपर्टीज किसके अंदर होते हैं, स्क्वायर के अंदर। जो बच्चे हिंदी में कर रहे हैं, स्क्वायर के हम लोग क्या होते हैं, वर्ग बोला जाता है। वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर होते हैं, प्रत्येक एंगल की 90 की होती है, मतलब सारे के सारे प्रॉपर्टीज स्क्वायर के अंदर होती है। लेकिन हम लोग इतनी प्रॉपर्टी इस टॉपिक में नहीं करेंगे, जब मेंसुरेशन के वीडियो लेकर आ रहे हैं उसमें आपको सारी प्रॉपर्टी इसकी बताई जाएगी। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, जो इसमें काउंट कैसे करते हैं स्क्वायर। मान लीजिए ऐसे डिवाइड कर लेते हैं इसमें, और स्क्वायर काउंट करना है। क्या काउंट करना है बच्चे, स्क्वायर। आप लोगों ने डायग्राम थोड़ा सीधी बनाइएगा, मेरी डायग्राम थोड़ी ऐसे ही बन जाती है कभी कभी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के टीचर का होता है बार बार ऐसे लिखने के चक्कर में ना। ऐसे नॉर्मल मेथड से सबसे पहले समझिए ये क्या होता है, रो कहलाता है बच्चे। ये क्या कहलाता है हमारा, रो कहलाता है। इसका मतलब टू रो कितना है, दो रो का या ये जो होती है ना बच्चे, हमारा एक कॉलम आता है, और ये भी क्या होता है, हमारा कॉलम आता है। इसका मतलब दो रो है और दो कॉलम है। मतलब जो ये ट्रिक्स हम लोग करने जा रहे हैं ना, ऐसे नंबर जिसका रो एंड कॉलम इक्वल आनी चाहिए। बच्चे हमने क्या समझाया, दोबारा समझ लीजिए, जिसमें रो एंड कॉलम सेम है ऐसे नंबर में ही अब जो ट्रिक्स बताएंगे वो अप्लाई कीजिएगा। जैसे देखिए नीचे में वन और टू, तो वन के स्क्वायर और टू के स्क्वायर, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें प्लस कर लीजिए, वन के स्क्वायर वन, टू के स्क्वायर क्या आएगा फोर, कितना आएगा फाइव। यदि नॉर्मल यदि आप काउंट भी करेंगे ना तो बिल्कुल इतना ही स्क्वायर आएगा। जैसे देखिए वन टू थ्री फोर, और बड़े वाला क्या आएगा, एक पाँच, तो मतलब कितना बन रहा है हमारा स्क्वायर, पाँच आ रहा है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी का। अब देखिए हमारा रो कितना आ रहा है, तीन रो आ रहा है, इसको रो बोलते हैं बच्चे, बताया आप लोगों को। ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, रो कहलाता है। ये हमारा रो है, ये भी रो कहलाता है, ये भी रो कहलाता है, पंक्ति होती है। यदि हिंदी में कर रहे हैं तो रो को पंक्ति बोला जाता है। ये हमारा कॉलम होता है, ये भी कॉलम है, ये भी क्या होता है, कॉलम होता है। तो देखिए तीन रो तीन कॉलम, मतलब तीन बाई तीन का हमारा स्क्वायर आ रहा है। मतलब जितना रो है उतना ही हमारा, जितना रो है उतना ही कॉलम आ रहा है, जितना स्क्वायर उतना ही कॉलम आ जाए। तो जो प्रीवियस जैसे हमने इस क्वेश्चन में रूल लगाया बिल्कुल एज इट इज कर दीजिए। जैसे देखिए वन के स्क्वायर, टू के स्क्वायर, थ्री के स्क्वायर, सबको प्लस कर लीजिए, वन प्लस फोर प्लस नाइन, कितना आ रहा है बच्चे देखिए, फोर्टीन ना, तो हमारा टोटल स्क्वायर कितना आएगा, फोर्टीन आएगा। अब और भी एग्जाम्पल लगाना चाहे तो और भी देख सकते हैं हम। चलिए एक एग्जाम्पल और भी ले लीजिए। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है हमारा, ये दो टाइप, तो हम लोग एक क्वेश्चन और भी ले लेते जो और भी अच्छे से बारीकी से आपको समझ में आ जाएगा। ये कितने बाय कितने का, चार बाय चार का है ना, क्योंकि एक दो तीन चार, वन टू थ्री फोर, मतलब फोर बाय फोर का हो गया। फोर हमारा रो है, फोर हमारा क्या है, कॉलम है ना। यदि चार बाय चार का जब कभी क्वेश्चन आ जाए, मतलब पांच बाय पांच, छह बाय छह, मतलब जितना रो है उतना ही कॉलम आने चाहिए ना। तो जो सिंपल रूल आपको बताया गया बच्चे ऐसे ही कर लीजिएगा। जैसे देखिए वन के स्क्वायर, टू के स्क्वायर, थ्री के स्क्वायर, फोर के स्क्वायर, सबको क्या करना है, ऐड कर लीजिए। तो वन प्लस फोर प्लस नाइन प्लस कितना, सिक्सटीन, कितना आ जाएगा, थर्टी आ जाएगा। तो इस तरह से यदि हम लोग किसी भी स्क्वायर में रो एंड कॉलम इक्वल है तो इसके काउंट ऐसे कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा रो एंड कॉलम अनइक्वल आ जाए। जैसे देखिए क्वेश्चन ले लीजिए, सपोज करते हैं ये क्वेश्चन है हमारा, ये स्क्वायर है, सपोज के लिए वन है, थ्री है, वन है, टू है, एक और बना लीजिए,
मतलब क्या आ रहा है हमारा, देखिए रो कितना आ रहा है हमारा इसमें, रो तीन है, ये भी रो है, ये भी रो है, ये भी क्या है हमारा रो है, तीन रो है, कॉलम ये है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है। अब क्या आ गया हमारा, तीन रो चार कॉलम। एक तो तरीका ये है जो हम प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन अभी किया है उसके तरह कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जैसे हमारा इसमें से ना, जैसे तीन बाय चार है ना, तो तीन बाय तीन का स्क्वायर इसमें से काट सकते हैं, मतलब इसमें से तीन बाय तीन का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो तीन बाय तीन का स्क्वायर यदि आप यहाँ से निकालिएगा ना, तो इसमें क्या करेंगे, वन के स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर प्लस थ्री के स्क्वायर, मतलब तीन तीन रो और तीन कॉलम ले लिए। तो मतलब पहले वाले कॉन्सेप्ट की तरह हो गया हमारा काम। जो कॉलम बच जाए, जो रो या जो कॉलम बच जाए उसको हम नंबरिंग कर लेते, क्या करते हैं नंबर डाल देते, एक दो तीन। अब क्या करना है बच्चे, इसको जोड़ना है, वन प्लस फोर प्लस नाइन, प्लस कितना आ रहा है, तीन तीन छः ना, सबको जोड़ लीजिए तो कितना आएगा हमारा, ट्वेंटी आ जाएगा। यदि इसको दूसरे मेथड से करना चाहे तो वो भी बिल्कुल आसान मेथड है। देखिए हमारे पास क्या है, तीन बाय हमारा कितना था, चार, मतलब हमारा था तीन बाय चार का, तीन बाय चार का एक इसमें से कम कर लीजिए, तीन में से एक कम कीजिएगा दो, चार में से एक कम कर लीजिए कितना आ रहा है, तीन आ रहा है, प्लस इसमें से भी एक कम कर लीजिए और इसमें से भी एक कम करना है कितना आ गया, दो। आगे इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जीरो आ जाएगा, सबको ऐड कर लीजिए कितना आ रहा है, देखिए ट्वेल्व प्लस सिक्स प्लस टू कितना आ रहा है, ट्वेंटी आ रहा है। तो इसी चाहे इस वाले मेथड यूज कर लीजिए या ये वाला मेथड यूज कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और भी हम लोग लेते हैं, यदि आपने थोड़ी ही ध्यान से देखिएगा तो मेरे हिसाब से कोई भी कन्फ्यूजन कभी आपको नहीं रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और भी ले लीजिए, ये क्वेश्चन है हमारा, यही स्क्वायर को ही क्या करना है हम लोग को, काउंट करना है, बट लेना क्या है हमारा रो है कॉलम को अनइक्वल करना है। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक दो तीन तीन और एक चार, एक इधर ले लीजिए पांच, क्या करना है पांच ले, एक नीचे भी बढ़ा लेते हैं हम लोग। तो सपोज कर लेते हैं इसमें हम मुझे वो काउंट करना है, एक दो चार, अब इसमें काउंट करना है कितने स्क्वायर इसमें आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चे, आप लोगों को क्लियर हो चुका है, सबसे पहले ये वाला मेथड कर लीजिए, क्योंकि देखिए हमारा रो कितना है, रो है, ये भी रो है, ये भी रो है हमारा, ये भी रो है, तो एक दो तीन चार, कितना रो आ गया हमारा, चार रो आ गया। तो चार इंटू कॉलम कितना है, देखिए एक दो तीन चार पाँच, कॉलम कितना है पाँच, मतलब चार इंटू क्या आएगा पाँच, जितना हमारा चार इंटू जितना बाई जितना का हमारा स्क्वायर है, एक एक कम करते चलिए, तीन इंटू चार प्लस देखिए एक और इसमें से एक कम कीजिए दो, एक कम कीजिए तीन, एक कम कीजिए, ठीक है कितना आ रहा है हमारा, ट्वेंटी आ रहा है, बारह बत्तीस आ रहा है, छत्तीस और अड़तीस आ गए, इसमें से इसमें कितना टोटल कितना आएगा, अड़तीस स्क्वायर है। यदि प्लीज आप लोग थोड़ा भी कंसंट्रेट कीजिएगा, दोबारा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और यदि कोई भी दिक्कतें आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो लेकर हम अभी लेकर कम्युनिटी में आ रहे हैं, तो आप जरूर मुझसे जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, जो आने वाली जितनी भी हमारे वीडियो है जिसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।